दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट लाइन गुरु में। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एडिलेड में एशियाई सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना अभी बाकी है, लेकिन इस दूसरे टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस टीम का एक उम्दा खिलाड़ी जो है वो इंजरी की वजह से दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएगा, जिसका नुकसान ऑस्ट्रेलिया टीम को हो सकता है। क्योंकि जितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले टेस्ट मैच में परफॉर्म किया था, शायद उतना एडवांटेज उन्हें दूसरे टेस्ट मैच में ना मिल पाए। दरअसल दोस्तों, हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है जोश हेजलवुड। जी हाँ दोस्तों, और ये जो तेज गेंदबाज है वो अपनी गेंदबाजी का जलवा दूसरे टेस्ट मैच में नहीं दिखा पाएगा और ना ही कोई विकेट चटका पाएगा। अब जो हम ऑस्ट्रेलिया टीम के नुकसान की जो बात कर रहे थे उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि जोश हेजलवुड को पिंक बॉल का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है और दूसरा जो टेस्ट मैच है वो मैच डे नाइट टेस्ट है, और इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया के टीम के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। बता दें दोस्तों कि ब्रिस्बेन के गाबा में खेले गए पहले टेस्ट मैच के दौरान ही जोश हेजलवुड चोटिल हो गए थे। दोस्तों, गुरुवार से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो जाएगी और इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास 2-0 से बढ़त करने का मौका होगा, जबकि इंग्लैंड की टीम जो है वो टेस्ट सीरीज में वापसी करना चाहेगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया आज यानी कि सोमवार सुबह एडिलेड में 14 मेंबर की टीम के साथ प्रैक्टिस करने के लिए उतरेगी, जिसमें तेज गेंदबाज माइकल नेसर, रिचर्डसन और लेग स्पिनर मिचेल को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक स्टेटमेंट में ये साफ किया है कि सिलेक्टर्स डिलेड मैच के बाद मेलबर्न और सिडनी टेस्ट के लिए एक टीम का सिलेक्शन करेंगे। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम का सिलेक्शन किया गया है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी टेस्ट सीरीज में माना जा रहा है कि फॉर्मर कैप्टन और विकेटकीपर बल्लेबाज टिम पेन की इस मैच में वापसी हो सकती है, जिन्होंने सेक्सटिंग विवाद की वजह से अपनी कप्तानी को छोड़ दिया था और क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक ले लिया था, लेकिन इस मैच में हो सकता है कि वो वापसी करें और मैदान पर अपना खेल दिखाते हुए नजर आए। तो दोस्तों, यहां पर तो जोश हेजलवुड जो हैं वो इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो चुके हैं, तो हेजलवुड की जगह किस खिलाड़ी को इस टीम में अब मिलने वाली है या किस खिलाड़ी को मिलनी चाहिए, दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे क्रिकेट से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक लिए आप देखते रहिए क्रिकेट टाइम गुरु। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। Also follow us on Instagram for quick updates.